जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। न्यूज रूम से मैं साहिबा बानो। चलिए बढ़ते हैं झांसी की कुछ मुख्य खबरों की ओर। आपको बता दें, झांसी में नागरिक सुरक्षा कोर कोतवाली प्रभाग झांसी द्वारा आज रैली निकालकर एवं हैंडबिल बांटकर जन जागरण अभियान चलाया गया। शहर कोतवाली से मुख्य अतिथि उप नियंत्रक मुनीश कुमार गुप्ता एवं विशिष्ट अतिथि चीफ वार्डन वॉल किशन कुशवाहा ने झंडी दिखाकर रैली का शुभारंभ किया। डिविजनल वार्डन कोतवाली विनय सिजरिया एडवोकेट के नेतृत्व में शहर के विभिन्न प्रमुख बाजारों में रैली के माध्यम से नगर के विभिन्न व्यस्त बाजारों में भारत सरकार द्वारा जारी नारा "जब तक दबाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं" के अंतर्गत रैली निकालकर जनमानस एवं व्यापारी भाइयों से आह्वान किया गया। मास्क अवश्य लगाएं, जरूरी बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का उपयोग करें, दो गज की दूरी बनाए रखें। अंत में रैली समापन पर सभी को कोविड से सावधानी हेतु भारत सरकार द्वारा जारी शपथ वरिष्ठ सहायक उप नियंत्रक मनोज वर्मा द्वारा ग्रहण कराई गई। रैली में प्रमुख रूप से अतुल अग्रवाल किलपन डिविजनल वार्डन रिजर्व शील कोपरा स्टाफ ऑफिसर टू चीफ संजय वर्मा विजय मिश्रा संजीव गुप्ता अंकुर भट्टा सुदर्शन सिवहरे पोस्ट वार्डन राकेश साहू जावेद खान दीप्ति पोस्ट वार्डन श्यामलाल प्रजापति मोहित कुशवाहा जैनुल आब्दी रविशंकर सूत्रकार फैजल खान नरेंद्र अभिषेक तिवारी राकेश कुशवाहा सेक्टर वार्डन जुगल किशोर कुशवाहा अमोल अग्रवाल राशिद खान आमिर खान अक्षत सक्सेना सूरज मलिक जितेंद्र सिंह चौहान सनी वर्मा सुरवी वर्मा रोहिणी केसरी फायर फाइटर्स आदि ने प्रतिभाग किया। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी अंकुर भट्टा द्वारा दी गई। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट देकर हमें जरूर बताएं और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और बुंदेलखंड की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल बुंदेलखंड न्यूज 24।